देखिए बेटा, देर आर टू 1 ईयर कैलिपर्स, बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। तो ये एडवांस का ही प्रॉब्लम है, 2016 में आया था ये। दो कैलिपर्स के इमेजेस दे रखी थी आपको, C1 C2, और दोनों की रीडिंग आपको बतानी थी। बट एक तो आपका जो देखा जाना पहचाना केस था वो था 1 ईयर स्केल ऑफ C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता है अच्छी तरह, आप डेली लाइफ में यही यूज करते हैं हर जगह। ये 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, तो इसकी तो आपको लीज, और वो भी आपको दे रखा है, देखो ये लिख रखा है इसने क्लियरली। ये मेन स्केल भी कोई स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं है, हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन बनाने में मेन स्केल भी चेंज कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने वही दे रखी है जो होती है कि 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन्स में डिवाइड है, तो आपकी जो लीज काउंट है इसकी 0.1 सेंटीमीटर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला आपको याद है बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता दीजिए। पहले वाले का तो आंसर बहुत सिंपली निकल जाएगा, फर्स्ट वाले का फिर फोकस करो अभी, सेकेंड वाले। फर्स्ट वाला तो ये है, ठीक है, कि आपका 10 VSD इक्वल टू 9 MSD जो दे रखा है आपको, 1 VSD आ गया, 9/10 MSD, लीज काउंट कितनी होती है। अच्छे, स्कूल के रिपोर्ट में अगर किसी ने बनाई हो तो उसमें करते हैं सब बच्चे 1 ईयर कैलिपर का जो प्रैक्टिकल होता है, सब हम ऐसे ही करते हैं उसमें। अंशुल थोड़ा मिस्टेक हो रही है सेकेंड वाले, अभी देखते हैं, आप चिंता मत करो, अभी देख रहे हैं अपन, बिल्कुल आ जाएगा आपको एकदम। 9/10 MSD, 1/10 MSD आ गया, और एक मेन स्केल डिवीजन आपको बोला है कि कैसा है, 1 सेंटीमीटर का 10th में डिवाइस करके, तो 1/10, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होगी। ठीक है, और बाकी फिर इमेज से काफी क्लियर है कि आपको ये 2.8+ समथिंग लिखना है। ठीक है ना, 2.8+ समथिंग आगे कितना है, तो वो आपको इस केस में पता है कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट। आप गिन भी सकते हैं, आप गिन भी लें, अगर इमेजेस देने में एडवाइस करूंगा आप गिन के ही निकालें बेटा डिवीजन। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो 2 या 3 कुछ कर दे इसमें, तो अगर आप गिन के निकालेंगे यहाँ तक तो क्लियर है ही आपको ये कितना आगे मूव करा, तो इमेजेस में कभी गलती नहीं होगी। डेटा दे रखा है उसने, कुछ और नहीं बताया, सिंपल बोल दिया 10 डिवीजन्स 1 ईयर के इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो फिर आप बहुत ही सिंपली देख लेंगे। ठीक है, फिर आप रीडिंग के लिए फार्मूला यूज कर देंगे, बट इमेजेस दे रखी हैं तो प्रॉपर पॉइंट गिन के निकालिए देखो। ठीक है ना, इमेजेस अगर दे रखी है तो डिवीजन से आप गिन के निकालिए बिल्कुल, जैसे ये जो डेरिवेशन है इसका प्रूफ है कि यहाँ से 7th है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 into VSD माइनस, ऊपर भी 7 आ जाता है, 7 into 7 MSD माइनस 7 into VSD, इतना आगे है 0.8 वाले जो आपका मार्क है उससे, तो इसलिए आपका 7 into 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है, 0.01 है, तो बस ये आपका 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेजेस में मैं एडवाइस करूंगा आप गिन के निकालें। जैसे ये वाला है जो उसने सेकंड इमेज दी, और इसने लिखा भी है बेटा सेकंड के लिए, 1 ईयर स्केल ऑफ C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इमेजेस ऑफ C1 and C2 आर शोन इन द फिगर, तो 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने जब देखा इमेज तो आपने ठीक है वो समझ गया कि नॉर्मल केस नहीं है उससे। आप फिर आप डिवीजन गिनो, 7th कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है ना, आपका ये 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 VSD हो गया यहाँ तक। ठीक है, आपको वही देखना है बेटा फिर से, कितना आगे निकला हुआ है ये देखना है कि नहीं, ये 2.5 है, 2.8 से 0 कितना आगे, ये x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ तक कितने आ गए आपके, यहाँ तक 7th आ गए, तो आपने देखो आपको 1 डिविजन्स पता है। ठीक है ना, और यहाँ तक 7th आ गए, और 7 MSD कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो 7 VSD माइनस 7 MSD करने से एक्स नहीं निकल रहा है, ये निकल रहा है पीछे वाला। ठीक है ना, यहाँ तक आपने गिन लिया 7th है, तो 7th
MS7 VSD -7 MSD कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन वो तो आया कि इस वाले से कितना पहले है, आपको तो एक्स निकालना है ना, इस डिवीजन से जीरो कितना आ गई ये निकालना। अभी जो आ रहा है 7th VSD -7th MSD से ये डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो ये भी निकाल दो, मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर दो, या आप इसको ऐसे कर लो 8 MSD -7 VSD, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यही आ रहा है 8 MSD -7 VSD, कैसे भी निकाल दो आप, बट ये डिवीजन गिनने वाला आपको अब आइडिया लग गया, तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको 7th VSD -7th MSD फिर 0.1 से माइनस करते हो, या डायरेक्ट 8 MSD -7 VSD कर देते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहे करें। तो 0.1 -7 × सॉल्यूशन है आगे, तो बस 0.03 आ गया है। तो 2.8 में आपने 0.03 ऐड कर दिया, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। आप यूनिट का भी ध्यान रखिए, एमएम सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2.8 प्लस 0.03 इक्वल टू 2.83 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। 2.8 प्लस 0.03 इक्वल टू 2.83 सेंटीमीटर विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ तक डाउट बेटा किसी को इन दोनों प्रॉब्लम्स में वर्नियर कैलिपर की, तो आप मुझे बताइए किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इस तरह के सिचुएशंस में, या आना चाहिए और अब गलत नहीं होना चाहिए वर्नियर।